हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम साइंस, जनरल साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, किस धातु को नोबल धातु कहा जाता है? जो चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जिसे नोबल धातु कहा जाता है? नोबल धातु वे होती हैं जो नम वायु यानी जो ह्यूमिड एयर है उसके संपर्क में आने पर उनमें क्षरण और ऑक्सीजन या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है, तो उन्हें हम नोबल धातु कहते हैं। उनमें 9 धातुएं आती हैं नोबल धातु में, जैसे सोना हो गया, चांदी, प्लेटिनम, रेडियम, पोलेडियम, इस तरह से ये 9 धातुएं होती हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, सोना। कौन सी धातु हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है? तो हाइड्रोजन से ज़्यादा सेंसिटिव धातु जो है वो सोडियम है, ये विकल्प सही हो जाएगा। यानी किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो दलहनी फसलें जितनी भी होती हैं उसमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये मटर इसमें दलहनी कुल का पौधा है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? जो रबर बनाई जाती है उसको कड़ा यानी हार्डनेस देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर को मिलाते हैं। रेडिएशन प्रदूषण यानी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन या रेडिएशन पॉल्यूशन कहेंगे, रेडिएशन जो रेडिएशन निकलता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, उससे कौन सा रोग होता है? तो जो त्वचा कैंसर होता है, स्किन कैंसर, उससे होता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण, जनरल सा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होता है समुद्र में, जिसे हम नमक कहते हैं। ओजोन परत जो है कौन सी किरणों को समा लेती है यानी अपने अंदर सोख लेती है, समाहित कर लेती है? तो ये होती हैं इन्फ्रारेड। सी विकल्प सही हो जाएगा, इन्फ्रारेड इसमें अल्ट्रावायलेट होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसे करता है, तो इन्फ्रारेड हो गया। ये इन्फ्रारेड को भी करता है। जो पराबैंगनी किरणें हैं इसमें पराबैंगनी किरणों को करता है, पराबैंगनी, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रावायलेट। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस, वैसे तो ये भी विषैली गैस है लेकिन सबसे ज़्यादा विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, डी विकल्प से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक कार्बोरेटर का है? कार्बोरेटर जो होता है ये पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप बनाता है यानी ठंडा रखता है इंजन को, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का सुचालक है, ऊष्मा का और विद्युत का? तो ये ग्रेफाइट है, डी विकल्प सही हो जाएगा। एक एकल स्थिर घिरनी जिसे हम पुली कहते हैं के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? आगम से बृहत्तर निर्गम उत्पन्न करने के लिए, अधिकतम आगम जो भी वो दे रहा है, जो भी एनर्जी दे रहा है, जो भी कोई हमारा स्रोत है उससे हम ज़्यादा निर्गम करने के लिए हम घिरनी का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है? तो इन जो तीन धातुएं दे रखी हैं, वैसे लिथियम जो होता है, लिथियम भी इसके साथ डायरेक्ट क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम हो जाएगा, सी विकल्प भी सही हो जाएगा, तो सी विकल्प होगा 12वें का। वल्कनीकरण क्या होता है? वल्कनीकरण जो होता है, वल्कनाइजेशन जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है वल्कनीकरण? ये रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त करने के, अभी जो पिछले विकल्प में आई थी उससे कहते हैं, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण या सिल्वर मिरर टेस्ट देता है? सिल्वर मिरर टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन की जांच करने के लिए, पहचान करने के लिए, इसका उसमें अंतर करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये इस बात पे आधारित है कि CHO यानी एल्डिहाइड जो होते हैं वो जल्दी ऑक्सीकृत हो जाते हैं लेकिन कीटोन जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होते। तो इसमें अगर विकल्प हम देखेंगे तो टॉलेन अभिकर्मक हो जाएगा, टॉलेन रीजन, बी विकल्प
सही हो जाएगा। जली ना अम्लीय और ना ही क्षारीय कारण है ये, उदासीन है। क्यों है? ना प्रोटॉन दे सकता और ना ले सकता, ये विकल्प सही हो जाएगा इसका। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है ये, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। पेचिश एवं इन्फ्लुएंजा किससे होता है? पेचिश जो होता है हमारा वो जीवाणु से होता है, और इन्फ्लुएंजा जिसे हम जनरली जुकाम कहते हैं तो वो विषाणु से होता है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। शहरी जनसंख्या की तुलना में कृषि कर्मियों को ज़्यादातर किस रोग से बीमार पड़ने का खतरा रहता है? तो ये फेफड़े की बीमारी से ज़्यादा, वो ज़्यादा काम करते हैं, उन पर ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तो उनके फेफड़े पे ज़्यादा समस्या हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पेंसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, बिल्कुल। टीकाकरण लुईस पाश्चर ने किया था, विलियम हार्वे ने रुधिर प्रसंचरण यानी रक्त संचालन की खोज की थी, ब्लड सर्कुलेशन और उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने नहीं दिया था, ये डी विकल्प सही हो जाएगा। अंकुरित हरी मटर में इनमें से क्या होगा? तो प्रोटीन भी होगा, ये सब होगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रोटीन भी, विटामिन सी, विटामिन बी12 और खनिज भी होंगे। हृदय रोगियों ने, हार्ट पेशेंट जो हैं उनके लिए क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? कौन सी चीज़ इनमें से है जो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए? तो ये वसा, फैट जो होती है उन्हें नुकसान करती है। मक्खी यानी वी किस रूप में डंक से संबंधित है? उसी रूप में सांप किससे संबंधित है? तो जैसे मक्खी का डंक होता है उसी तरह सांप का दांत होता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। बिजली के बल्ब का तंतु, ये जनरली जो बल्ब होते हैं वो बंद मतलब कम चल रहे हैं, LED बल्ब चल रहा है, लेकिन जो हमारा बल्ब होता था जिसमें तंतु वाला लाल लाइट वाला जो बल्ब होता था उसमें जो तंतु बना होता था वो टंगस्टन का बना होता था, टंगस्टन धातु होती है, टंगस्टन का बना होता था। अगला है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहा जो स्टील जो बनती है वो लोहे से ही बनती है, लेकिन उसमें निकिल मिला दिया जाता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जिसे कहते हैं जीव द्रव्य, सी विकल्प सही हो जाएगा। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी यानी गल जाएगी तब क्या होगा? दरअसल जो बर्फ़, अगर हमारा जल जो होता है हमारा जल जो है, अगर इसे बर्फ़ में बनेगा तो इसका, बर्फ़ जो बनती है इसकी, तो इसका आयतन 1/10 गुना बढ़ जाता है, 1/10 गुना बढ़ जाता है, यानी जब जमने पर फैलता नहीं है, जमने पर फैलता है, जनरली चीज़ें जमने पर सिकुड़ती हैं और पिघलने पर फैलती हैं, लेकिन जल का उल्टा है, जैसे जैसे जमता है तो इसका आयतन 1/10 गुना बढ़ जाता है, और उसी तरह इसका घनत्व तो कम हो जाएगा जब आयतन बढ़ेगा, सीधी सी बात है, तो 10% हिस्सा ही उसका बाहर रहता है, और जब वो जब डूबा रहता है पूरा डूब के, सॉरी पूरा डूब के ही तैरता है टुकड़ा, अगर वो पिघल जाएगा तो पिघलने के बावजूद भी, क्योंकि उसका घनत्व तो उतना ही कम हो जाएगा तो स्तर उसका उतना ही रहेगा, तो जल का स्तर समान रहेगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तापमान का अगर बढ़ाया जाए तापमान को, तो कौन सी वस्तु होगी जो सबसे अधिक फैलेगी? तो इसमें गैस होगी, गैस का विसरण सबसे ज़्यादा होता है। बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई दे पड़ती है, क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल की अपेक्षा प्रकाश की चाल जो है वो अधिक होती है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है, तो ये विकल्प ही सही हो जाएगा। इसलिए हमें वो लाइट पहले आती है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है, लेकिन वो क्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं। श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा होता है? तो ये समतल दर्पण इस्तेमाल उसमें होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, दिन रात होते हैं, दिन रात जो होते हैं पृथ्वी के घूमने के कारण होते हैं, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है किसके लिए? सेडिमेंटेशन बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये विकल्प सही हो जाएगा। कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है? कौन सी वस्तु है जो बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है? तो ये ग्रेफाइट होगी, ये विकल्प सही हो जाएगा। पाश्चुराइजेशन क्या होता है? दूध का पाश्चुराइजेशन होता है, और ये 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना पाश्चुराइजेशन कहलाता है, बी विकल्प
सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन पहले हम सोचते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आती है, लेकिन नहीं, बाद में ये सिद्ध किया गया कि जो ऑक्सीजन आती है वो जल से आती है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम जो होते हैं पाचन के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो अनुपस्थित किस में होते हैं, इन तीनों में होते हैं, यहाँ से शैवाल, कवक और बैक्टीरिया में होते हैं लेकिन वायरस में नहीं होते हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसे जाता है, विकास सिद्धांत का, तो ये चार्ल्स डार्विन ने किया था, इसको डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है उसका रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण, सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है, तो इसमें पैराफिन वैक्स निकलता है, एनिलाइन निकलता है, अमोनिया भी निकलता है, लेकिन ये नहीं है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। झीलों के अम्लीकरण होने का कारण, झीलों का अम्लीकरण जो है उसका कारण है, क्या कारण है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, यानी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है इसीलिए उनका अम्लीकरण हो रहा है, इनका झीलों का।